राष्ट्रीय बांस मिशन एमपी 2023 एमपी सरकार दे रही है किसान को बांस की खेती करने पर 50,000 रुपए तक की सब्सिडी। जाने किसान कैसे ले इस योजना का लाभ। अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वो फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह, और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राष्ट्रीय बांस मिशन एमपी 2023 एमपी सरकार दे रही है किसान को बांस की खेती करने पर 50,000 रुपए तक की सब्सिडी। जाने किसान कैसे ले इस योजना का लाभ। हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिकट न्यूज में। नई दिल्ली सरकार द्वारा देश में कई प्रकार के फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करती है। इसके लिए सरकार किसानों को विशेष प्रकार की फसलों की खेती करने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। किसानों को सब्सिडी देने के पीछे सरकार का उद्देश्य किसानों को फसल की लागत को कम करना है ताकि उन्हें बेहतर मुनाफा मिल सके। इसी क्रम में सरकार की ओर से बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बांस मिशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को बांस की खेती के लिए 50,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। ऐसे में किसान बांस की खेती कर इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में बांस की खेती के लिए राज्य सरकार की ओर से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बांस से बनाई जाती है कई चीजें। बांस की बाजार में काफी मांग होती है, इससे कई प्रकार की चीजें बनाई जाती है। बांस की खपचियों से चटाइयां, टेबल, कुर्सी, इसके अलावा बांस से चारपाई, सजावट की वस्तु आदि उपयोगी सामान बनाए जाते हैं। मछली पकड़ने का कांटा, डलिया आदि बनाए जाते हैं। मकान बनाने और पुल बांधने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इससे खेती के औजार भी बनाए जाते हैं। इससे बांसुरी, वायलिन जैसे वाद्य यंत्र भी बनाए जाते हैं। बांस से कागज भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा बांस के प्रोह का उपयोग अचार और मुरब्बा बनाने में भी किया जाता है। इसका चिकित्सा में भी उपयोग होता है। भारत के किन राज्यों में होती बांस की खेती। भारत में सबसे अधिक बांस की खेती मिजोरम, मेघालय और मणिपुर में होती है। इसके अलावा भारत में बांस की खेती के अन्य राज्यों में भी की जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा, उड़ीसा, गुजरात और उत्तर प्रदेश शामिल है। बंजर जमीन पर कर सकते हैं बांस की खेती। बांस की खासियत यह है कि इसे बंजर जमीन पर भी उगाया जा सकता है। किसान अपनी अनुपयोगी जमीन का उपयोग कर बांस की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा किसान खेतों के चारों ओर बांस लगाकर खेत की सुरक्षा के साथ ही बांस की खेती से कमाई भी कर सकते हैं। खास बात यह कि बांस की फसलों में कीटों और रोगों का प्रकोप ना के बराबर होता है, इसलिए किसान बांस का उत्पादन कर इससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बांस की खेती पर कितनी मिलती है सब्सिडी। राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत किसान को बांस की खेती के लिए 50,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं बांस के एक पौधे की कीमत 240 रुपए आती है, जिसमें सरकार की ओर से छोटे किसानों को प्रति पौधा 120 रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इस तरह यदि किसान बांस के 1500 पौधे उगाता है तो उसे करीब 1,80,000 रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। मध्य प्रदेश में मनरेगा के तहत किया गया बांस का रोपण। मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की मदद से मनरेगा के तहत बांस का रोपण करवाया गया है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में वन मंडल के सभी परिक्षेत्रों में कैंप योजना के तहत 22 जगहों में 595 हेक्टेयर भूमि पर 2,38,000 बांस रोपे गए हैं। देवास में आर्टिसन एग्रोटेक बांस फैक्ट्री में किसान और स्वयं सहायता समूह के MOU के तहत बांस की खरीद और बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध है। बांस की खेती पर सब्सिडी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय बांस मिशन योजना चलाई जा रही है। इसकी खेती और अनुदान से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://nbm.nic.in। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना MP 2023 को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो में हम इस योजना संबंधित आपको और विस्तार से जानकारी दे सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह, और हमारे लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।